जय हिंद। आज हम चर्चा करने वाले जी फ्लोविन माउथ पेंट के बारे में, इसको कब कैसे और क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, कितने दिन के बच्चे में या फिर कितने दिन के व्यक्ति में इसको इस्तेमाल करना चाहिए और इसे क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, सारा चीज़ आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो में आखिरी तक। ये जी फ्लोविन माउथ पेंट है, इसको जो है इसका कंपोजिशन जो है बोरेक्स ग्लाइसरीन IP66mg है, जिसको डॉक्टर लोग जनरली मुंह आने में या फिर फोड़े फुंसी होने में या फिर मुंह में छाला पड़ जाता हो या फिर मुंह के अंदर चमड़े में कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें इस जी फ्लोविन ड्रॉप को इस्तेमाल किया जाता है। ये तो आप जान लें कि ये ज़्यादातर मुँह आने में और फिर मुँह में छाला पड़ जाता है या फिर मुँह में फोड़े फुंसी हो जाता है उसमें जनरली इसको यूज किया जाता है। अब इसका सवाल यह है कि इसको कितने दिन के व्यक्ति में इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसको 1 साल से लेकर 60 साल या फिर उससे अधिक उम्र तक के व्यक्ति में इसको इस्तेमाल करना चाहिए। और आप लोगों का सवाल यह होगा कि कितने टाइम भर दिन में इसको इस्तेमाल करें, तो इसको भर दिन में 2 से 3 बार या फिर 4 बार इस्तेमाल करें। और आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे इस्तेमाल करें, तो इसको कॉटन रुई में हल्का हल्का लगा लें और मुँह के अंदर लगा लें, जहाँ जहाँ आपको फोड़े फुंसी या फिर मुंह में छाला पड़ गया हो उसमें लगा लें इसको। और आप लोग सोच रहे होंगे इसका तो मैं काम और डोज बता ही दिया हूँ, भर दिन में 2 से 3 बार इसको इस्तेमाल कर ले या फिर अपने चिकित्सक के अनुसार मिलकर इसको जानकारी प्राप्त कर ले। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, तो इसका साइड इफेक्ट कुछ इस प्रकार होता है, आप लोग ध्यान देंगे। इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि फिर मुँह में आपको खुजली टाइप का होगा या फिर मुंह में चमड़ों में छाले अत्यधिक बढ़ जाएगा आदि, इसका साइड इफेक्ट होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो में जी फ्लोविन माउथ पेंट के बारे में इसका डोज, इसका काम और इसका साइड इफेक्ट पता चल गया होगा। अगर कोई भी डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं।